मैंने कहा है कि वो इस बात को भी स्वीकारा है कि आपके साथ झगड़े होते हैं, पैसे को लेकर प्रताड़ना की बात बहुत सीधी सी बात है। अगर ये बात कल वो इंसान कहता है कि मेरी कोई लड़ाई नहीं, आज वो कहता है हाँ मैंने तुम्हारा, वो कहता है कि पैसे के लिए। अगर ये बात थी तो जब मैं एडमिट की तो उसी समय आके तुमसे कंप्लेन कर सकते थे। 7 दिन हाजिर रहने का मतलब क्या है? आपने शुरू से ही आरोप लगाया कि जुडिशरी के कई अधिकारी, ये बात भी अब उनके स्पष्ट आए और पुलिस ने भी स्वीकारा है कि जुडिशरी के अधिकारी की गाड़ी में मुकदमा यहाँ से पटना है। आपको क्या लगता है और कितने नाम हैं? जितने नाम मैं जानती थी आप लोगों को मैंने बताया। मैंने जांच का जो ये बात कही CBI की जो जांच की बात रखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ किस हद तक इस केस को एक नॉर्मल केस बना के, अब देखो आप एक एक करके अचानक वो क्यों कबूल कर रहा है, क्योंकि जो लोग उसे बचा रहे थे वो लोग उसे मजबूर कर रहे हैं तुम करो नहीं तो तुम्हारी चलते हम सब फंसेंगे। जब जांच की बात आती है तब वो सामने आता है, उससे पहले वो क्यों नहीं आया? एक बार फिर से उन नामों को दोहराइए जो तमाम बड़े नाम हैं। मुश्ताक अहमद, विजिलेंस असिस्टर हाजी हुसैन अंसारी, फिर आपके इंद्र सिंह नामधारी, सुरेश पासवान, CGM देवघर, SDM पता नहीं इलाहाबाद, यहाँ ये लोग कहाँ के थे क्योंकि ये लोग का कन्फर्म ये नहीं है। फिर CGM वो नगर उतारी के जिसके DSP थे वो लोग, फिर बहुत सारे एडवोकेट जनरल कहाँ कहाँ के थे वो तो समय आने पे जब आप इंक्वायरी करोगे तब पता चलेगा। उसका नवंबर प्लान हमेशा ये कहता था 14 मुझे विधायक चाहिए, 15 विधायक चाहिए झारखंड को, उसके बाद जो मैं बनूंगा वो सोच भी नहीं सकती हूँ। दिल्ली में बैठ के मैं पूरे देश पे राज करूँगा और मेरी जो ताकत होगी मुझे कोई छू भी नहीं सकता। हर बार वो मुझे कहता था, मुझसे खुद ये कहता था तुम्हारे पास नवंबर तक का टाइम है, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद नहीं जानती हो, अगर चाहती हो जीना कबूल कर लो, उसके बाद या तो फिर कहते हैं ना मुस्तर ये रहेगा लोग बदल जाएंगे, देश जीत जाओगी, कहाँ जाओगी तुम्हें खुद नहीं पता। तो कई लड़कियों के नाम आएंगे जो भी है, तो वो लोग आती थी उन्हें भी आप इसी तरीके से करते हो कि हाँ मैं आपको एडमिशन आप फ्री में कराते हो, जैसे आपने ना कोई वो जनहित में जा रही वो खोल रखा है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप समझ सकते हो एडमिशन कराना, पैसे देते हो जो आप शॉपिंग करो, कार अवेलेबल कराते हो गार्ड के साथ, एक पुलिस गार्ड आप समझ सकते हो नॉर्मल आदमी को नहीं मिलता, वो गार्ड के साथ वो लड़कियाँ घूमती हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि अगर मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो आप मुझसे शादी करती हो? कोई भी लड़की, जाहिर सी बात है जी सर आप इतने अच्छे हो कि आपसे तो कोई भी शादी करेगी वो खुश नसीब होगी। तो हाँ मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जो मुझसे भी कई अच्छे हैं, आप करेंगी? जी सर, अगर वो मुझसे क्यों करेंगे सर, आप जैसी अच्छी लड़की से तो कोई भी करेगा, इस झांसे में आप ले रहे हो तो जो आपने वो किया, फिर वो हिंदू लड़की है आप हिंदू बन के सामने उसको तो आप कम से कम बता दो मैं रकीबुल खान हूँ, अगर आप इतने सच्चे हो उसके साथ भी आप वही करने वाले हो। और ये मारते समय ये भी कहते थे कि ना तुम पहली हो ना तुम आखिरी हो, कितनी आई और कितनी गई, ये जो हमारा सर्कल है वो कब से चलता हमेशा चलता रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता।